गया जी। मतलब आप समझिए ना मेरा सवाल, हम इसी राम राज्य की तो परिकल्पना होती थी ना, तो मेरा सवाल ये जो 70 साल में नहीं हुआ वो अचानक क्या हुआ? कुछ तो ट्रिगर पॉइंट होगा ना कि अचानक से लाउडस्पीकर्स कह रहे कि नहीं उतारिए मस्जिदों से, अचानक से मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे कि नहीं भाई सड़क पर नमाज नहीं गैर कानूनी है, क्या हुआ? मतलब यूपी में ऐसा क्या हो गया, क्या है अचानक क्या हुआ? अतिकुर भाई अगर आप समझा पाए ये मॉडल क्या है, अचानक क्या हो गया ये? शर्मा जी आ रहा हूं, अतिकुर रहमान। आप अधर्म अधर्म के चश्मे से देखेंगे तो आपको सब कुछ अचानक नजर आएगा और सरकार की पीठ थपथपाने में आपको मजा आएगा। ये कुछ अचानक नहीं हुआ है, भक्ति मूवमेंट के जमाने से हिंदू मुसलमान एक रह रहे हैं। अगर लाउड स्पीकर का मसला था तो वो कोई मसला नहीं था, मसले को पैदा किया गया। आप ये बोलिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए या योगी सरकार पे नहीं लगना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को अब तक के फॉलो क्यों नहीं किया? 30,000 लाउड स्पीकर कल क्यों उतारे गए? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ना होने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। तारीफ तो आज आपको भी तारीफ करनी चाहिए अतिकुर रहमान, आप ही तो कहते हैं ना भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई एकता भाईचारा, एक पत्थर नहीं चला। आप सोचिए उत्तर प्रदेश में एक दंगा नहीं हुआ पिछले 5 सालों में? एक दंगा नहीं हुआ सर। उत्तर प्रदेश और असम में कुल मिलाकर देश भर के 55 मिलियन मतलब 5.5 की आलोचना। एक मिनट अतिकुर रहमान, मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश और असम में मिलाकर कितनी आप जानते हैं? और 850 के आसपास शोभा यात्रा निकली, एक पत्थर नहीं चला, एक दंगा नहीं हुआ, लाउड स्पीकर खुद उतारे जा रहे हैं, सड़क पर नमाज, आपको तो तारीफ करनी चाहिए। आप कह रहे योगी सरकार पर आप कंटेंट ऑफ कोर्ट लगा दे, उन पे लगाया जाएगा ना जहां पर पत्थरबाजी हुई है, जहां पर तुष्टिकरण के चक्कर में ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चक्कर में इन सबको अलाउ किया गया है सब कुछ। आप कह रहे क्या 7 राज्यों में पत्थरबाजी नहीं हुई? क्या नहीं हुई? क्या गुजरात में नहीं हुई? क्या मध्य प्रदेश में नहीं हुई? क्या हुई ना? सारे राज्यों में हुई है। अभी दिल्ली में हुई, जहांगीरपुरी में क्या हुआ? हुई ना? अतिकुर रहमान, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करना चाहेंगे? आप आज का युवा, आज का हिंदू मुसलमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ पढ़ रहा है। आपके ये शोषण और तुष्टिकरण और ये सब आप चक्रव्यूह में नहीं फंसाइए हमको। अतिकुर रहमान, एक तो सवाल आप लोगों से भी आज ये भी है, आप लोग कहते थे धर्म देखकर कार्रवाई, आपने देखा है जो आपको नाम पता है, ये जो अयोध्या में जो दंगा कराने की कोशिश कर रहे थे, क्या नाम था उनका, किन पर रहने से लगा है, पता लगा आपको? नहीं नहीं मैं आपको बताऊं, और 4 रिपोर्ट मेरे पास भी हैं, जहां हिंदू और मुसलमानों ने खटिया खड़ी कर दी योगी सरकार की एक होकर। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है आप लोगों से, ये हिंदुत्व एलिमेंट से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये योगी सरकार कैसे नहीं समझ आ रहा है? आज एकता की बात हो रही है तो आज भी गुस्सा है। अब हिंदू मुस्लिम एकता की बात कैसे हो रही है? आज तो समरसता की बात है, गंगा जमुनी तहजीब की बात हो रही है, आज तो सब आगे बढ़कर अच्छी बात हो रही है। आज आप ज्यादा गुस्सा नजर आ रहे हैं मुझे। बहरहाल चलिए के शर्मा जी के पास जा रहा हूँ, उसके बाद आईपी सिंह जी आपके पास आऊंगा। शर्मा जी क्या है ऐसा सवाल है आपसे, भाई बीजेपी शासित मध्य प्रदेश भी, बीजेपी शासित गुजरात भी, बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश भी, और बीजेपी शासित असम भी, यूपी और असम में ऐसा क्या है जो मिसिंग है एमपी में या गुजरात में? ऐसा है अमन जी कि भारतीय जनता पार्टी की पहले से एक नीति रही है, तुष्टिकरण किसी का नहीं, न्याय सभी, और योगी सरकार हो या शिवराज जी की सरकार हो, हर सरकार उस फार्मूले पर ही अब चल रही है और चलेगी भी। रही बात आज जिस घटना की आपने बात की, मैं बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार को कि जिस तरह से कानून व्यवस्था वहाँ पर इस समय चल रही है उसके कारण से वहाँ शांति है, समृद्धि है और विकास की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। लेकिन अभी मैं इस्लामिक स्कॉलर अतिकुर रहमान साहब को कह रहा हूँ, कितने दोहरा पुन है इनके चरित्र में, हंसी आती है। कह रहे हैं कि योगी साहब पर, योगी की सरकार पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना है। और रहमान साहब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश कब आया था? 2006 में उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार, विभिन्न राज्यों में कांग्रेस की सरकार, और ये उत्तर प्रदेश के लिए आदेश नहीं आया था, पूरे देश के लिए आया, आपकी समझ में, जानकारी के लिए बता। अभी आप कह रहे थे महाराष्ट्र में हमने खुद ही उतार ली इसलिए महाराष्ट्र सरकार को कुछ नहीं करना पड़ा। अरे सुन लीजिए, चुप तो रहिए थोड़ा, क्यों इतने बौखला जाते हैं? अभी 3 राज्यों की बात करूंगा आपके साथ,
अब बताऊंगा कि तीन राज्य के मुसलमान तीन तरह के कैसे हैं। इसलिए आपको कह रहा हूं, महाराष्ट्र सरकार का कुछ दिन पहले का रिपोर्ट है कि 74% लोगों ने ये कहा अभी कि साहब जब राज ठाकरे की धमकी आई मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन जो है उन लोगों ने कहा कि साहब हम उसके साउंड को कम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने वहां बैठक की है, बैठक करने के बाद वो कोई निर्णय नहीं लिया राज्य सरकार ने। राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र को हम भेज रहे हैं कि वो इस पर कोई हमें गाइडलाइन दे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हर राज्य का कानून व्यवस्था राज्य के अधिकार में होता है, उसे लागू करना पड़ता है, लेकिन वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते, वो तुष्टीकरण के चैंपियन बनना चाहते हैं, इसलिए वो वहां पर ये प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते। और वहीं रहमान साहब, आपसे तो मुझे बड़ी अपेक्षा थी, अपने आप को बहुत बड़े स्कॉलर बताते हैं आप, बड़ा धर्म निरपेक्ष बन के चलते हैं। नासिक के कलेक्टर ने ऑर्डर किया कि जब अजान होगा तो 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद उसके आसपास में 100 मीटर तक कोई जो है दूसरा लाउड स्पीकर नहीं बज सकता। हनुमान चालीसा नहीं, मेरे घर में यदि सत्यनारायण भगवान की कथा हो और मैं उस डेसिमल पे बजाऊं तो मैं नहीं बजा सकता। इसका मतलब सीधा सीधा मुस्लिम एपीजमेंट वहां की जो है अगाड़ी सरकार की, लेकिन उसके संबंध में आपके ताले बंद, मुंह बंद हो गए हैं, क्योंकि आपको मजा आ रहा है, क्योंकि आपको अचीवमेंट, आपकी तुष्टिकरण हो रही है। और आज ही की एक घटना में अमन जी आपके उसके संज्ञान में लाता हूं, आपके संज्ञान में होगा भी, कि यहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने और राज्य सरकार की भी जो नियम थे उसको मान्य किया गया, सड़कों पर नमाज नहीं हुआ। धर्मगुरुओं ने कहा कि हम जो है दो बार यदि नमाज होगा हम पढ़ लेंगे, लेकिन हम मस्जिद के अंदर करेंगे। यहां तक उदाहरण प्रस्तुत किया, लेकिन सड़क पे नहीं पढ़ेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जयपुर में यही कांग्रेस की सरकार और यही कांग्रेस के लोग पूरे सड़क जाम करते हैं दोनों साइड का, पुलिस बैरिकेड लगाती है, वो और पहले से भी ज्यादा बोल्ड उसमें जो है साउंड लगाकर, लाउड स्पीकर लगा के, और 1.5-2 घंटे तक सड़क जाम करके जो है जुमे की नमाज पढ़ी जाती है। क्यों मुंह बंद है रहमान साहब आपकी? वो स्पेशल नहीं देखा क्या इन्फॉर्मेशन अच्छी थी वो? तो ये शासन, ये प्रशासन के संरक्षण में, आज के कांग्रेसी मुगलिया सरकार के संरक्षण में ये काम क्यों हुआ? क्या राजस्थान के मुसलमान उत्तर प्रदेश के मुसलमान से अलग है? क्या गलत है, क्या अलग है इनके अंदर? क्या यदि उत्तर प्रदेश के धर्मगुरु जो कि सभी उसके माने जाते हैं, यदि वो अपील कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बात को मानता है, और वही राजस्थान की सरकार जो है, जो कांग्रेस की सरकार है, वो वहां पर उसके दुगने सिंह साहब के पास जा रहा हूँ और सड़क तक वो जाम करते हैं। सिंह साहब के भाई कमेंट ले रहा हूँ, उसके बाद अतिकुर रहमान और संगीत रागी आऊंगा, एक कमेंट उनका भी जरूरी है। आईपी सिंह साहब, इस पर तो मेरे ख्याल से आप भी स्वागत करेंगे। चाहिए इनसे